हेलो गाइस, स्वागत है यार। और यार अभी स्वागत की नहीं करूँगा, अभी फियाट की सुपर कार खरीदूंगा जिसकी स्पीड बहुत ही तेज है। आप देख सकते हो बिडिंग चालू हो चुकी है, ये है मस्टैंग की। लेकिन जो आप अभी ताजू करोगे ऊपर, आप देख सकते हो जो तीसरा है वो है फियाट की सुपर कार जिसकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा तेज है, मतलब लग्जरी कारों में से एक है। और ये सेकंड पार्ट इसलिए बता रहा हूँ मैं कि सेकंड पार्ट थोड़ा अनोखा आएगा, क्योंकि यार बहुत ही फैंटास्टिक गाड़ी खरीदी है। और मैं अब बकवास नहीं दिखाऊंगा, मैं तुम्हें सिर्फ बढ़िया बढ़िया चीज़ें दिखाऊंगा। तो आप देख सकते हो छठा दिन है सिर्फ अपने पास, और ये गाड़ी की स्पीड वाकई में यार बहुत तेज़ लग रही है। तो अपन इसकी ना एक बार स्पीड टेस्ट भी करेंगे और एक ड्रैग रेस भी करेंगे और देखेंगे और क्या क्या हो सकता है इस गाड़ी के साथ। तो इस गाड़ी को अपन पहले एक सेकंड इसको बेच देंगे जो अपने पास। ऑडी की बहुत सारी गाड़ी खरीदी थी यार मैंने, फालतू तुम्हें वीडियो दिखाई नहीं। मेरे पास बहुत सारी गाड़ियाँ है, ये वाली ऑडी, फोडी, BMW, ये सब चीज़ बेच दी। अब मेरे पास 1 मिलियन होंगे ना, जब ही वीडियो को मैं कोई मतलब अच्छी तरह वीडियो प्रॉपर करके बताऊँगा कि भाई अब क्या क्या कर सकते हैं अपन। अभी तो ये छोटी मोटी गाड़ी जो 1.5 लाख की है, ये तो अब अपने लिए बस की नहीं है। अपन लैम्बो, और मैंने जैसा वादा करा था फर्स्ट वीडियो में बढ़िया बढ़िया कार खरीदूंगा। तो अब देखो फियाट की कौन सी गाड़ी खरीदी थी अपने, अभी जो चला के आया हूँ मैं, ज़बरदस्ती इसको बेच दी मैंने। अब मैं इतना कोई बार्गन नहीं करता, लेकिन इस वीडियो के अंदर 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ बताएंगे। एक तो जो बेगर होता है उसको किस तरह अपन हायर करते हैं वो चीज़ भी मैं तुम्हें दिखाऊंगा, उसको भी बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है। देखो ये बैठा है ना कोने पर, यही है इसको हायर करने के लिए होता है सब कुछ। तो अभी अपन चलते हैं इसको, देखो रिपेयरिंग करवा लेते हैं, रिपेयरिंग में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका कलर करवा लेते हैं। गाड़ी यार सही बताओ ना बहुत ही दमदार है, और इसके अंदर क्या वो नाइट्रो भी लग सकता है इस गाड़ी की है। और यार आवाज़ में बहुत ही दमदार गाड़ी है। तो इसका कलर है ना मैं थोड़ा यार मतलब यूनिक सा करवाऊँगा। जैसे सबसे पहले तो यार ये अपन लगा देते हैं इसको, क्या बोलते हैं जो मैंने बोला था, नाइट्रो लगवा देते हैं। एक मिनट में अभी चल जाएगी आगे वाली गाड़ी, इसको हॉर्न मार दिया मैंने। तो अभी नाइट्रो लगवाते हैं इस गाड़ी में, मैंने पूरी पार्क नहीं करी, मुझे ये भी चेक करना था आधी गाड़ी पार्क करते तो ये कर देता है, बिल्कुल कर देता है। तो देखो रेसिंग किट लगा दी, उसके बाद अपन नोस मतलब नाइट्रो से है। और अपन देखते हैं डिफ़ॉल्ट किट इसमें लगी हुई है। सस्पेंशन को ऊपर करना चाहिए या लो करना चाहिए? अगर ये तो ऊपर कर देगा तो थोड़ी अजीब सी लगेगी, थोड़े ऊपर नीचे थोड़े हल्के फुल्के कर लेते हैं। देखो टायर बाहर आ जाता है इसके अंदर, अब गौर करा मैंने नोज छेड़ते के साथ ही, पहले नहीं था, अब टायर बाहर सा लग रहा है थोड़ा सा। लाइट को थोड़ा सा अजीब सा मतलब बहुत ऐसे मतलब क्लासिक लुक देते हैं, क्योंकि इस गाड़ी पे जो सूट करे, इस गाड़ी को माफिया गाड़ी नहीं बनाएंगे लेकिन थोड़ा प्यारा सा लुक देखेंगे। मैंने लाइट देख ले तो कौन बढ़िया, और यार ये बढ़िया लग रही है ना, इसको अपग्रेड कर देते हैं, पिंक गाड़ी बढ़िया लग रही है। इधर अपना नाम लिख लेते हैं एसर, जो अपने शॉप का नाम है। तो यार ये देखो व्हील्स में बड़े बड़े बढ़िया बढ़िया व्हील्स है, तो अपन तो महंगे वाले लगाएंगे, कम से कम 5-6 हज़ार के कोई अच्छे से व्हील्स मिल जाए अपन को जो इस गाड़ी पे सूट करे। तो देख रहा हूँ मैं एक दो क्वालिटी के व्हील्स, रिस्टोर वाले कौन से थे और अपन कौन से लगा रहे हैं एक बार ये चेक करना पड़ेगा। रिस्टोर वाले ये थे, ठीक है। और अगर अपन को रिस्टोर वाले कर दिए और अगर ये वाले लगाए तो ये 5 हज़ार के लास्ट, तो ये व्हील लगा लिए सही भी लग रहे हैं। थोड़ा सस्पेंसर उठा लेता हूँ, सस्पेंसन से ऐसे यार देखो व्हील्स अब ऊपर नीचे हो रहे हैं, देखो व्हील सही कर दिए मैंने, क्या गाड़ी की स्पीड है यार धीरे धीरे हो जाए। अब इसको अपन करवाएंगे कलर, कलर बहुत मतलब बेहतरीन सा दूंगा मैं, कलर ऐसा दूंगा कि यार जो गाड़ी है गाड़ी का एक लुक आना चाहिए, मतलब बढ़िया लगना चाहिए। जैसे मेरी लाइट है, लाइट तो यार बड़ी औसम सी लगाई है मैंने। और फिर इस गाड़ी की स्पीड टेस्ट करेंगे कि भाई स्पीड में कैसी है, कितनी तेज़ चलती है वगैरह वगैरह, सब कुछ चेक करेंगे इस गाड़ी का। तो जल्द से जल्द लेके चलते हैं अपन कार के पास। तो यार टाइम भी होने वाला है, देखो बहुत कम सा टाइम रह गया, तो ये मेरे हिसाब से तो चला जाएगा। देखो शॉपकीपर, अपन कलर चेंज करेंगे, जब शॉपकीपर चला जाएगा तो अपन को बस, अब इससे अपन कैंसिल कर दिया तो अपनी यार क्या बोलते हैं अपन कलर नहीं करा पाएंगे, अपन को अगले दिन का वेट करना पड़ेगा। तो यार कलर भाई बढ़िया बढ़िया आ रहे हैं यार, फैक्टर कलर ये है, करंट कलर ये है, ठीक है। करंट कलर ये था तो अपन इसको थोड़ा सा रेड डाल के देखते हैं, वाइट भी बढ़िया लग रहा है, एक वाइट कलर की गाड़ी पर्सनल गाड़ी बनाएंगे, लेकिन ये थोड़ा पिंक्स कलर बहुत ही प्यारा लग रहा है इस पर। और एक बार पॉलिश करके देखते हैं पॉलिश में क्या होता है, थोड़ी कम करेंगे पॉलिश से थोड़ा चमकाहट आ जाती है। कलर मैंने फिक्स कर ही लिया है, ये वाला कलर मुझे बढ़िया लगा है, इस कलर को अपन कर लेते हैं भाई। क्या हाँ, ओहो हो गाड़ी यार कितनी प्यारी लुक की आ रही है। अभी तुम्हें 68,000 दिख रही है, लेकिन ये गाड़ी 3 लाख की बिकती है कम से कम।
2 से 3 लाख की निकलती है। मतलब अपने पास बजटेड बहुत है। अपन ऐसे मतलब अभी पर्सनल पर्सनल गाड़ी नहीं बनाएंगे, अभी तो अपन रेस करे करेंगे, ड्रैग रेस करेंगे, इसकी स्पीड चेक करेंगे। ये ओडी जैसी गाड़ी को हरा देती है, क्योंकि यार नाइट्रो लगने के बाद तो इसकी स्पीड ऐसे ही इंक्रीज होती है कि यार बहुत ही मतलब वैल्यूबल चीज़ खरीदी है। जैसे मैंने सबसे पहले एक दो ड्रैग रेस करने चलते हैं, तो फिर ड्रैग रेस का आ गया। सबसे पहले है ना ये ओडी से ड्रैग रेस करेंगे। अब यार ये जो अपडेट आया है ना इसके अंदर, क्या बोलते हैं, जो मतलब पैसे थे ना पैसों का कम कर दिया, लेकिन कोई बात नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सबसे पहले ये ओडी से रेस करते हैं, 542 की रेस ले रही है। मैं भी फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ, मैं हार भी सकता हूँ, और ओडी वैसे भी बहुत फास्ट कार है, लेकिन मुझे मेरी गाड़ी पे ना बहुत ज़्यादा भरोसा है यार, इस गाड़ी पे इतना भरोसा है। तो यार ओडी से मुकाबला है, मतलब बढ़िया मुकाबला है। कभी कभार इस गाड़ी से हम निसान GTR पे भी करेंगे, लेकिन अभी इससे करते हैं ओडी। अब देखते हैं यार, मैं भी कुछ आज पहली बार करने जा रहा हूँ, मैं भी सीखता हूँ देखो किस तरह क्या करना है, गियर शिफ्ट किस तरह। देखो इसमें स्विफ्ट से गियर अप होंगे और आई से गाड़ी स्टार्ट होगी, तो आई से गाड़ी स्टार्ट करके मेरा यार नाम कैसे नूब आ रहा है, तो तुम मुझे बताना यार नाम को किस तरह चेंज कर सकते हैं, क्या मैं असल में नूब हूँ इसलिए नाम आ रहा है। तो मैं तो धीरे धीरे चलता हूँ यार, और बाकी तो देखते हैं कि किस तरह चलेंगे। अरे यार आगे बढ़ सकते हैं। अरे यार थोड़ा लेट शिफ्ट हो गया भाई, वो ओडी निकल गई, लेकिन मुझे अपनी गाड़ी पे भरोसा है, मैं नाइट्रो दे दूँ, नाइट्रो दे कर तो भाई साहब भाई उस स्पीड देखो कितनी तेज़ स्पीड में गेन करिए, वो जीत गए एन मौके पर जीते। मतलब मैं मान गया भाई, मैंने जो पैसे खर्च करे ना वैल्यूबल चीज़ पे खर्च करे यार। तो यार अभी इस गाड़ी को अपन लेके चलते हैं, क्योंकि यार ये मतलब बाप गाड़ी बोलते हैं ना जिसको, बहुत ही बेहतरीन गाड़ी है ये, तो बच्चा लग रहा है मेरे सामने। फीएट की वो भी फीएट की लाई है यार, तो कार फोर बेट किया गया मेरे हिसाब से। अब कार फोर बेट है कि उसके पास भी कौन सी गाड़ी, मेरे पास फीएट की थी, मैंने पढ़ा नहीं यार उसकी गाड़ी, नहीं नहीं उसकी दूसरी गाड़ी है। तो ये गाड़ी को चलाते हैं, थोड़ा सा आगे करते हैं। मूव लिखा हुआ आ रहा है यार, ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, मतलब मेरे कुछ नाम चेंज नहीं करेगा अपना। मूव टू द रेसिंग लाइन, इसकी स्पीड ऐसे इंक्रीज होती है जैसे नोज देते के साथ ही। मैं रोकता हूँ इसको, और यार आगे बढ़ गए, थोड़ा सा पीछे कैसे करूँ, पीछे हो ही नहीं रही, पीछे हो ही नहीं रही। शिट, योर बेट विल बी फॉरफीटेड, ये हार गए यार, लेमिनेटेड हो गए, एलिमिनेट हो गए। पीछे जाने से क्या फ़ायदा, आपको लेट हो गए यार। शिट, ये गलत हुआ थोड़ा सा, चलो कोई ना, इतनी महंगी यार। इस रेसिंग को अपन हार नहीं मानेंगे, क्योंकि ये अपन हारे नहीं है, क्योंकि यार ये तो डिफ़ॉल्ट कुछ गलती हो गई थी, लेकिन गाड़ी बहुत A1 चीज़ है। अब एक मिशन पूरी ही होल वीडियो में एक रहेगा कि भाई इससे कोई सुपर फास्ट गाड़ी हो सकती है क्या। निसान GTR तुम जानते होगे भाई, वो बहुत अच्छी गाड़ी है, लेकिन एक डोज वाइपर बोलते हैं उसकी स्पीड चेक करेंगे, और एक ओडी RRR, और बाकी कोई ना कोई ऐसी गाड़ी होगी, ऐसा क्रिएटर होगा जिसने यार एक गाड़ी छुपा के रखी होगी जिसकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा तेज़ होगी, तो वो चीज़ भी चेक करनी पड़ेगी। तो अब अपन चलते हैं इसको वापस से लेकर, और इसकी सफाई बताऊँ मैं क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि यार मेरा जो टारगेट रहेगा वो सबसे पहले जो मेरा बंदा है, जो वर्कर है, उसको खोलने का रहेगा। उसको खोल दिया एक बार तो वो साफ़ सफाई वही करे करेगा, अपन को इतनी करने की जरूरत नहीं होगी। अभी अपन चलते हैं कहाँ पर स्पीड चेक करने। तो इस गाड़ी को मैं देखो ट्रो ट्रक के ऊपर लगा देता हूँ, फिर उसके बाद अपन चलते हैं स्पीड चेक करने। अरे भाई गुड़क गई शायद गाड़ी, मुझे ऐसा लग रहा है यार पार्क नहीं हुई होगी, तो इसको यार पार्क कर देते, थोड़ी रेसिंग और दे देते। देखो हो रही है कि ये नीचे उतर ही गई पूरी की पूरी। तो यार ये कैमरा जब तक चेंज नहीं होता ना, जब तक पता नहीं चलता। देखो अभी पार्क नहीं हुई, बार बार उतर जाती है, पर कैमरा चेंज करके उसको ऊपर ही चढ़ा देते रहे यार पूरा। देखो लाल ट्रक है, बिल्कुल लाल जैसी गाड़ी कर दी है अपने। और इसके अंदर एक वो भी है ऑप्शन के, जैसे मैं बैठूँ ना कार के अंदर तो ऑटोमेटिक इंजन स्टार्ट हो जाए, तो वो भी बेहतर चीज़ है। तो इसके बाद चलते हैं, और अपन अब के बार कहाँ पर चले, फॉरेस्ट चलते हैं, और स्पीड चेक करते हैं भाई, इसकी स्पीड देखते हैं भाई कितनी है कितनी नहीं है, अपने में कितनी आ रही है कितनी शो हो रही है, या तो मुझे चलाना नहीं आ रही गाड़ी। स्पीड रिकॉर्ड देखो, यहाँ से उतारते हैं, स्पीड यार 17 रिकॉर्ड हुई है अभी। तो अब 1 2 3 करके स्पीड दे के नाइट्रो लेट दिए थोड़ा मैंने, 4.7 सेकंड में पहुँची है ये, तो 4.7 सेकंड आप कमेंट करके बताना कि सही है कि गलत है, इससे भी कोई सुपर फास्ट कार हो सकती है कि, लेकिन इसे 0 to 100 4.7 सेकंड के अंदर पहुँची है, तो
तो मतलब सही है यार, बहुत सारी गाड़ी देखी है मैंने जो सात सात आठ आठ सेकंड ले लेती है। अपने ड्रैग रेस भी देख ली और ड्रैग रेस भी कर ली, और अपन इस पे रैम पे चढ़ा देते हैं। देखो तुम देखते हो ना रैम पे कौन चढ़ा सकता है, देखो रैम पे चढ़ा के ये गाड़ी को मैंने पूरा फ्लिप दे दिया। मेरी गाड़ी बिल्कुल भी चलना चूर नहीं है। स्पीड रिकॉर्ड आप देख सकते हो, अभी भी 261 क्रॉस करा है अपन ने। इसमें ज़्यादा स्पीड इसकी है नहीं, स्पीड इसकी बिल्कुल नॉर्मल सी है, लेकिन जो स्टार्टिंग स्पीड है ना, जो मतलब ब्रेकअप स्पीड है, वो बहुत फास्ट है। अपने गाड़ी को मोड़ ली, कोई मतलब स्पीड का तो कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि यार ड्रैग रेस बहुत छोटी होती है। अगर ड्रैग रेस बहुत बड़ी हो तो जैसे ओडी आर आर है जिसकी स्पीड मतलब कंट्रोल नहीं होती, या फिर सुपर है, सुपरा की स्पीड मतलब बढ़ने के बाद, तो उसने 350 क्रॉस करा था अपनी पहली वीडियो के अंदर। इसकी स्पीड के खासियत तो दिखी नहीं, लेकिन इसकी जो मतलब स्टार्टिंग स्पीड है ना, जो मतलब स्टार्टिंग से उड़ती है ये, मतलब 0 to 100 जाती है 4.7 सेकंड में। एक बार और करके देखूंगा मैं कि भाई 4.7 सेकंड फिक्स है या फिर इससे भी ज़्यादा हो सकती है। तो बैक टू टाउन चलते हैं, रिस्पॉन हो जाते हैं। तो यार आज की वीडियो में अपन ने बहुत अच्छी सुपर कार खरीदी। अब जो अगली वाली वीडियो आएगी ना, उस अगली वाली वीडियो के अंदर अपन है ना बहुत सारे टास्क करेंगे। जैसे अपना पहला जो मिशन रहेगा वो ये रहेगा, लैम्बोर्गिनी लेना, या फिर उससे पहले रहेगा ऑडी आर आर रहना। मतलब दो कोई ना कोई गाड़ी अपन लेकर ही रहेंगे। तो बस यार, बस मैं तो ऐसे ही खेल रहा हूँ। बाकी मेरी तरफ से आज की छोटी सी प्यारी सी फियाट या फियाट की वीडियो कंप्लीट हो सकी। तो बस यार आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टाटा।